नंदनी, आज आपके लिए फिर एक एकदम नया आइटम लेकर आई हूँ और उसकी शुरुआत हम करेंगे। ये मेरे पास कुछ लेस के पीसेस हैं इस तरह से बचे हुए, मैंने इनको ले लिया है और यहाँ पर एक 5x5 का एक पीस ले लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लेस को यहाँ पर लगाएंगे। तो आपके पास भी जो बची खुची लेस हैं किसी भी तरह की, सब तरह की चलेंगी, और उनको इस तरह से आपस में जोड़ लीजिए। कुछ इस तरह से कलरफुल रेडी कर लिया। इस पीस को रेडी करने के बाद यहाँ पर हमने एक क्विल्टेड पीस लिया है 13 इंच बाई 9 इंच का। तो अब मैं यहाँ पे बता दूँ आप लोगों को कि मैं आज बना रही हूँ डायरी कवर। तो मेरे पास जो डायरी है वो कुछ इस तरह की है। देखिए, इस डायरी का कवर मुझे बनाना है। तो इस डायरी का जो साइज़ है वह है हमारे पास, इसको टोटल हम इस तरह से नापेंगे। तो आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो सामान मैं लगा रही हूँ इसमें उसका मेजरमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी डायरी छोटी बड़ी हो सकती है। तो आपको जैसे जिस मेथड से बता रही हूँ उस मेथड से आपको नाप करके डायरी का कवर बनाना है। तो इस तरह से यहाँ इस ये जो बॉर्डर है यहाँ से इसको इस तरह से पूरा लेंगे बराबर से और इसको यहाँ लपेटेंगे। तो ये हमको मिल रहा है पूरा 12 इंच 12 इंच, और इसकी जो लंबाई है डायरी की वो है हमारी 7 इंच। मैंने यहाँ पर अब ये पूरा राउंड शेप में 12 आया, ये 7 आया, तो मैं यहाँ पर बढ़ा के ले रही हूँ। ये है हमारा 9, 7 की जगह मैंने 9 ले लिया है, सीधे 2 इंच बढ़ा दिया है, और 12 की जगह मैंने यहाँ पर 13 लिया है, सीधे 1 इंच बढ़ाया है। तो इस तरह से बढ़ाना है। अब ये तो मेजरमेंट हो गया है, इस तरह से आपको पूरा मेजरमेंट लेना है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 7 इंच पर निशान लगाएंगे। सॉरी, ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको नाप लेंगे, तो ये आ रहा है 5 इंच। यहाँ से हम 5 इंच पर एक मार्क करेंगे। तो डायरी का जो ऊपर का फ्रंट का होगा आपको पहले उसका मेजरमेंट लेना होगा, इसको रेडी करने के बाद। 5 इंच यहाँ पर भी हम निशान लगाएंगे, एक लाइन खींच लेंगे। इस लाइन को खींचने के बाद अब इधर से हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे फिर, और इधर से 5 इंच पर। ये हो गया 5x5 का एक पीस। अब यहाँ से हम बीचों बीच में फिर निशान लगाएंगे, ये आएगा। अब इस निशान को लगाने के बाद यहाँ पर हम ये 4x4 का एक सर्कल मैंने काट लिया है कार्डबोर्ड पर, 4x4 का है पूरा। तो ये 5x5 है, इसको हम बीचों बीच में रखेंगे इस तरह से, और इस पर ड्रॉ कर लेंगे। ये ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ड्रॉ करने के बाद ये जो सर्कल है इसको यहाँ से मेजर करेंगे, जहाँ 4 इंच आ रहा है तो बीच सेंटर निकाल लेंगे 2 इंच पर। ये 2 इंच हो गया, इधर से भी नाप लेंगे, एकदम परफेक्ट, एकदम सेंटर पे ये निशान लग गया है। अब इसके बाद एक पीस लेंगे, इसको इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। इसको ये 5x5 का ये पीस भी लिया है। तो यहाँ पर जो हमने सेंटर मार्क लिया है यहाँ पर इस तरह से पिन डालेंगे, पिन के साथ इसको यहाँ पर अटैच करेंगे। अब ये अटैच हो गया। अब फिर से इसको रखेंगे क्योंकि नीचे का सेंटर हमें चाहिए था। तो अब हम इसमें दूसरी सुई यहाँ पर या पिन डालते हुए इस तरह से, और इसको यहाँ पर सेंटर के साथ अब इस पिन को निकाल देंगे। अब ये सेंटर में जो कार्डबोर्ड में हमने पिन डाली थी इसको यहाँ सेंटर पर लगाएंगे इस तरह से।
इसको लगाने के बाद फिर चेक करेंगे कि हमने सही जगह निशान लगाया है कि नहीं। ये देखिए एकदम सेंटर जहाँ हमने निशान लगाया था वहीं पर हमारी पिन लगी हुई है। अब इसको रखेंगे, इस तरह से दबाएंगे। अब इस कपड़े पर भी हम, ये पिन हमारी लगी हुई है, कपड़ा हमने दबा लिया, अब इस पिन को हटा देंगे, इसको दबाए रखेंगे और इस पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये हमारा लाइन ड्रॉ हो गया है, पिन से इसको यहाँ पर फिर से पैक कर देंगे। अब कपड़ा हमारा नहीं हिलेगा, यहाँ पर हमने जो ड्रॉ किया है, अब इसको पूरे पर हम मशीन चलाएंगे। इसको हमने इस तरह से पूरा सिल लिया। अब फोल्ड करेंगे क्विल्टेड पीस भी और इसको भी, दोनों में होल करेंगे और इसके अंदर अंदर इसको कट करेंगे। ये हमने कट कर दिया। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है इस पर यहाँ पर हल्का हल्का कट दे देंगे। अब इसको कट करने के बाद इसको अंदर की तरफ पलटेंगे इस तरह से, और इसको इस तरह से दबाते हुए, अंदर की तरफ दबाते हुए इसको पूरा सिल देंगे। तो ये ऊपर की ही तरफ से सिलना है। और जो कपड़ा हम पलटेंगे वो हमको हल्का सा पाइपिंग की तरह, गोल पाइपिंग की तरह दिखना चाहिए। ये देखिए इसको हमने इस तरह से रेडी कर दिया। अब ये जो हमने पैच बनाया था इसको इसके नीचे रखेंगे। इसको रखने के बाद ट्रांसपेरेंट शीट के साथ फिर ये होल वाला हिस्सा इसको रखेंगे बीचों बीच यहाँ पर, और अब इसको यहाँ पर हम पूरा सफाई के साथ पैक कर देंगे। अब ये इसको भी हमने जोड़ दिया। अब यहाँ पर पीछे की साइड में ये जितना एक्स्ट्रा है इसको हम कट करके निकाल देंगे, शीट को भी, ट्रांसपेरेंट शीट को भी, और जो लेस वाली शीट है उसको भी। तो सिलाई से थोड़ा सा दूर रखते हुए इसको कट कर देंगे। अब इसको हमने ट्रांसपेरेंट शीट में पैक कर दिया। तो ये दिखाई भी देगा और लेस पर कुछ खराबी भी नहीं आएगी और ये हमेशा इस तरह से और शाइनिंग की तरह दिखाई देगी। ये देखिए अब क्या करना है, इसी साइज़ का एक हमने प्रिंटेड कपड़ा लिया है। अब इसके ऊपर इस कपड़े को रखेंगे, उल्टा रखेंगे और इधर इतना छोड़ते हुए यहाँ डबल मशीन चलाते हुए इसको पूरा हम पैक कर देंगे। अब इसको यहाँ से सीधा करेंगे। सीधा करने से पहले कोने को हल्का हल्का
कट कर देते हैं। इसको रेडी करने के बाद अब इसको हम यहाँ से पैक कर देंगे। अब इसको पैक करने के बाद सेंटर निकालेंगे इस तरह। ये हमारा सेंटर हो गया। अब इस सेंटर पर पूरी लाइन खींचेंगे इस तरह से और इस पर एक मशीन चला देंगे। इस तरह से मशीन चलाने पे ये दोनों परतें हमारी जो हैं जुड़ गई हैं। ये हमने लाइनिंग लगा दी। अब इसके बाद यहाँ पर अब इधर जो हमने ये लाइन खींची थी पहले इस 5x5 को निकालने के लिए, तो ये जो लाइन हमने खींची इस पर अब हम एक इस तरह की कोई भी लेस लगा देंगे जो इस पाइपिंग से मैच करती हो। तो हमने यहाँ पर ये पाइपिंग ली है ज़िगज़ैग वाली और इसको यहाँ पर लगा देंगे। तो जो पाइपिंग का सिरा है उसको यहाँ लगाएंगे इस तरह से डबल करते हुए, तब से लेंगे। इसको लगा दिया। अब ये हमारा पीस कंप्लीट हो गया। अब इसको हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो ये कुछ अभी इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब ये जो लेस लगाए सेंटर लगाए, तो अब इसको हमें इसमें ज़िप लगानी है। तो ज़िप लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से, बराबर से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद एक ज़िप लेंगे और ज़िप को यहाँ से मेजर करेंगे। 2 इंच हमारी ज़िप यहाँ बाहर निकलनी चाहिए। फिर इसको इधर से मोड़ेंगे, इसको इधर से मोड़ेंगे, इसको इधर से मोड़ेंगे, तो 2 इंच ज़िप हमारी इधर भी निकलनी चाहिए। तो ये 3 साइड से 2-2 इंच की ज़िप हमको एक्स्ट्रा में चाहिए होगी। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए मैचिंग का धागा डाल लें और ये जो हमने सेंटर में सिलाई की थी सेंटर पर इसको रखते हुए, सेंटर पर रखते हुए 2 इंच इसको बाहर रखेंगे। यहाँ एक निशान लगा लेंगे और इसको इस तरह से रखते हुए, निशान लगाने के बाद इसी सेंटर से इसको हम जोड़ना शुरू करेंगे। डबल मशीन चलाएंगे यहाँ पे। इसको हमने एक साइड से जोड़ लिया। अब ज़िप को हम खोल लेंगे। निशान पहले लगा लेंगे, ज़िप को खोलेंगे, इसको हटाते हुए जो ज़िप का दूसरा पार्ट है उसको यहाँ पर सिल देंगे। इसको यहाँ पिन कर देते हैं, इसको यहाँ पर पिन कर देंगे। दूसरा हिस्सा इसके बिल्कुल बराबर रखते हुए डबल मशीन से लॉक करेंगे, पूरा सिल लाएंगे, यहाँ पर भी डबल मशीन कर देंगे। इसको भी हमने जोड़ दिया। अब इसमें हम डालेंगे रनर। तो रनर हमें ये हमारा पैचवर्क नीचे रहेगा तो इधर से रनर डालना है, यहाँ पर निकालना है। तो इधर से हम रनर डालेंगे। अब इसमें हमने रनर भी डाल दिया। तो रनर को बीच में लाएंगे इस तरह से, थोड़ा सा खोलेंगे इस तरह से खोलना है कि यहाँ पर रनर हमारा निकलने ना पाए। अब इसको हम यहाँ पर इस तरह से पकड़ेंगे, इसको यहाँ पर इस तरह से बराबर रखते हुए।
यहाँ पर बराबर रखते हुए इस तरह से बराबर कर लेंगे। और पहले इस पर हम मशीन चला करके इसको यहाँ पर एक साथ जोड़ देंगे। इधर भी और इधर भी। अब इसको जोड़ने के बाद यहाँ पर हम एक कपड़े से इसको एक इस तरह से पट्टी ले लेंगे, उल्टा रखेंगे इस तरह से। कपड़ा ये हमारा सीधा ऊपर दिखना चाहिए, इस तरह से रखेंगे। इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद फिर थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड करेंगे, बाकी कपड़ा उसके ऊपर फोल्ड कर देंगे, यहाँ पर सिल देंगे। कपड़ा सीधा करेंगे। अब ये जो हमने पहले छोटा सा फोल्ड किया था वो अपने आप अंदर मुड़ गया है। अब इसको यहाँ पर फोल्ड करते हुए इस तरह से इसको पैक कर देंगे और इसी तरह से दूसरा वाला जिप का हिस्सा पैक करेंगे। अब ये रेडी हो गया। रेडी होने के बाद अब इसमें हम अपने डायरी को या जो भी किताब के लिए हम कवर बना रहे हैं उसको रख सकते हैं। तो ये देखिए, अब इस तरह से हम अपनी धार्मिक पुस्तकों के लिए भी कवर बना सकते हैं। यहाँ पर अपने जो भी आपके ईश्वर ईश्वर देवी देवता जो भी उनकी भी फ़ोटो लगा सकते हैं और इस तरह से पैक कर सकते हैं। ये जो है इसको हम यहाँ पर अंदर भी डाल सकते हैं। इस तरह से खोलेंगे इसको, अंदर यहाँ पे स्पेस है, यहीं से घुमा देंगे इसको, ये अंदर चला जाएगा। जिप खोल के अंदर घुमा दीजिए इस तरह से और उसको पैक कर दीजिए। इसको यहाँ रहने दीजिए, ये दिखाई देता रहेगा। इस तरह से ये हमारा एक बुक कवर, किसी भी तरह की बुक हो, डायरी हो, उसके लिए एक कवर रेडी हो गया। इस तरह से आप किसी को गिफ्ट बना के डायरी के साथ दे भी सकते हैं। तो उम्मीद है ये हमारा छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइकॉन वाला बटन दबाना ना भूलें। फिर कुछ इसी तरह से यूजफुल वीडियो लेकर आएगी। नमस्कार।